यदि आप बिगनर हैं तो एक ही बार में ये परफेक्ट काजू कतली आप भी बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बनाएंगे इसको और बिना चाशनी के, बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम कप से इसमें डालेंगे काजू 1.5 कप। अब इस काजू को हमें पूरा पानी से भर देना है, 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बिल्कुल हलवाई जैसे हम बनाएंगे इस मिठाई को। आप देखते रहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसमें छोटा छोटा जो ट्रिक है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये फूल गया है और ये एकदम सॉफ्ट हो गया। अब इसको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया हुआ है। अब इसको ग्राइंड करना है, बस यही जो ट्रिक है इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इसको मैंने एक बार ग्राइंड किया है, अब इसको फिर से मिक्स करेंगे। इसमें पानी मैंने एक बूंद भी नहीं डाला है, देख लीजिए आप। इसको फिर से हमें ग्राइंड करना है और फिर से एक बार चेक कर लेना है। देखिए कंसिस्टेंसी देख लीजिए। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 2 चम्मच पानी डालेंगे, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो ये काजू कतली बनेगी ना, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे और आप एक ही बार में बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए 2 चम्मच मैंने पानी डाला, फिर से ग्राइंड किया। अब इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इस कंसिस्टेंसी तक आ जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा कितनी होगी? लगभग 150 ग्राम। यहाँ मैंने 250 ग्राम कप से 2 1/2 कप लिया था काजू, तो यहाँ 150 ग्राम मैंने, मतलब उसका आधा हम लेंगे चीनी। और चीनी को डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कप से लिया है तो आप किसी भी कटोरी या फिर कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसके मेजरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने चीनी डाला और मिक्स किया, फिर से मैंने ग्राइंड किया, फिर से खोला और फिर से इसको मिक्स करेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। इसको बार बार देखना है आपको, एक ही बार में नहीं मिक्स करना है ना ही चलाना है। इसको पल्स मोड पे एक एक थोड़ा थोड़ा करके चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, बार बार देखना है। यही जो ट्रिक है ना, हमारी काजू कतली को बेस्ट बनाएगी और इसका रिजल्ट बेस्ट देगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, एकदम स्मूथ हो चुकी है। बस इसी कंसिस्टेंसी तक हमें इस पेस्ट को रखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, ये लगभग उस तरीके से है जो हमारा गाढ़ा घी होता है ना, उस कंसिस्टेंसी में हमारा ये पेस्ट बन चुका है। तो इसको हम पैन में निकालेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, सिर्फ मैंने ऐसे ही प्लेन पैन पे मैंने इसको पूरा पलट लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप बर्तन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपके पास कौन सा बर्तन है। पतला बर्तन बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो वो और भी अच्छा है, यदि नहीं है तो थोड़ा मोटे तले का बर्तन लीजिएगा, लोहे का बर्तन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब इसको यदि आप स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो एक खास बात कि आप जब भी बना रहे हैं इसको लगातार चलाइए, क्योंकि ये काजू है बहुत ही जल्दी बर्तन को पकड़ लेती है। तो इसको हमें लगातार चलाना है, थोड़ा सा भी हमें अपने हाथ को रेस्ट नहीं देना है। यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी होती है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लगातार चला रहे हैं, जो हमारी काजू जो काजू का पेस्ट है वो हमारा गाढ़ा हो रहा है। बस हमारा काजू है तो काजू लगे नहीं तले में, इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है। हमें लगातार चलाना है और लगातार तब तक चलाना है जब तक ये बर्तन से बिल्कुल अलग ना हो जाए। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वीडियो का क्लिप जो है कट गया है। गाढ़ा तब तक करेंगे जब तक हम एक छोटी सी लोई यानी कि सरसों के दाना के बराबर हाथ में लेंगे, और जब वो दोनों उंगलियों में चिपकेगा नहीं उस तरीके से हम चेक कर लेंगे तो ये हमारा काजू का जो पेस्ट है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा कतली बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। वो क्लिप मेरा मिला नहीं इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है, पर देखिए फ्रेंड्स, जब ये बर्तन से अलग होने लगे ना तो आप समझ जाइए कि हमारा पेस्ट रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक बटर पेपर लेंगे। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक का शीट भी ले सकते हैं। तो उस पर हम थोड़ा सा घी फैला लेंगे। घी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बटर पेपर में चिपक जाएगा या फिर प्लास्टिक में भी चिपक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसको बटर पेपर पे घी लगा करके रख लिया है और इसका हम आटे की तरह गूंथ लेंगे। इसका हम डो तरह तैयार करेंगे, बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से मल लेंगे। हल्का सा गर्म होगा तभी हमें इसको, जब पेस्ट हल्का सा गर्म होगा तभी इसको हमें
आटे की तरह गूंथ लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, गरम गरम बिल्कुल मत करिएगा, जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब आप इसको बटर पेपर पे रख करके अच्छे से मल लीजिएगा। मलने का ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे काजू कतली को ना बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए। यदि आप इस तरीके से करते हैं ना तो काजू कतली परफेक्ट बनती है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स डाला है, काजू और चीनी, और कुछ भी नहीं, ना तो चाशनी पड़ी है और कुछ भी, कोई भी ना मैंने एसेंस डाला है, ना ही इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही काजू कतली बहुत परफेक्ट और टेस्ट में बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हमें देखिए फैला करके बेल लेना है। आप जिस काजू कतली का जितना थिकनेस होता है ना, उस थिकनेस के हिसाब से आप जितना भी ले सकते हैं ले लीजिए और उसको बेल करके तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। इसको हमें फ्रिज में बिल्कुल नहीं स्टोर करना है। मैंने बताया ना, सिर्फ 15 मिनट में बना सकते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये 15 मिनट में ही बना सकते हैं। बस देखिए, बेलते बेलते ये जो मेरा डो है ना सूख जाएगा। अभी हम तुरंत इस पे हम लगाएंगे सिल्वर वर्क। सिल्वर वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यदि फास्ट में हैं तो बिल्कुल मत लगाइए। यदि लुक वाइज थोड़ा अच्छा करना है तो आप सिल्वर वर्क लगा लीजिए। थोड़ा ये जो सिल्वर वर्क है ना, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लगाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आप लगा लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये काजू कतली का जो डो है मैंने फैला लिया है और बेल लिया है, और मैंने सिल्वर वर्क भी लगा लिया है। इतने में ही ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखा है, ये आसानी से अभी तुरंत कट जाएगा। मैंने बताया ना, बहुत ही कम टाइम लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, कई लोगों का मानना है कि मेरी काजू कतली अच्छे से कट नहीं पाती, तो यदि आपके पास स्केल है और ये तरीका आप यूज करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो बस स्केल रखना है और नाप करके पहले लंबाई आकार में हमें कट लगानी है, उसके बाद हमें चौड़ाई आकार में कट लगानी है। बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल आप कटिंग कर सकते हैं। तो जो साइड का होगा उसको हम हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ है, बस कटिंग करने पे ही वो सूख गया है और अपने आप अलग हो जा रहा है। अब इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी कटिंग कर लेंगे। तो साइड का जो है उसको हम अलग कर लेंगे। अब फिर हम इसको काजू कतली का शेप देंगे। जहाँ भी साइड में आपको लगे कि हमारा शेप बिगड़ रहा है, उसको थोड़ा सा हमें कट करके निकाल देना है, ताकि हमारी काजू कतली बिल्कुल मार्केट जैसी लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये मेरे पास पिज्जा कटर है, आपके पास नहीं है तो आप चाकू भी, कोई नुकीला चाकू हो उससे भी आप काट सकते हैं, लेकिन स्केल जरूर लीजिएगा, इससे आप बहुत ही अच्छी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काजू कतली की कटिंग करना बहुत आसान है। आप बहुत ही आसान तरीके से काजू कतली घर पर बना सकते हैं, कम से कम सामानों में, बिना झंझट के। और ये मिठाई की तो कहना ही क्या है, स्वाद तो आप जानते ही हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आप फास्ट में खा सकते हैं, चाहे जन्माष्टमी में, रक्षाबंधन पे, किसी भी फेस्टिवल पे आप काजू कतली बनाइए, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं आप तुरंत इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आराम से कट चुका है। अब हम, क्योंकि हम बटर पेपर में थोड़ा सा घी लगाए हैं, तो इस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमारे पास स्केल है, उससे भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काजू कतली काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इससे हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये जो स्केल है ना, इसको हम अंदर डालेंगे और इससे पूरा काजू कतली अलग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसको निकालना, तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो इसकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यदि आप स्केल से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एक बार और कटिंग कर लीजिए मोटे मोटे आकार में, तो ये बहुत ही अच्छे से अलग हो जाएगी। यदि नहीं हो पा रही है तब आप स्केल का हेल्प लीजिए। सिर्फ घी की वजह से ये चिपक रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अलग हो जाता। देखिए, अब मेरे पास ये स्केल है ना, इसको हम डालेंगे और पूरा अलग हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये काजू कतली बिल्कुल अलग हो जाएगी, अलग अलग टूट कर तैयार हो जाएगी। तो है ना बहुत अच्छा तरीका, कम से कम सामानों में और बहुत कम समय में मैंने इसको बनाया है। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे ही इजी तरीके से मैं रेसिपी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए
और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।